मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वेज फ्रेंकी और सिजवान चीज फ्रेंकी बनाएंगे और उसके साथ साथ हम फ्रेंकी का मसाला भी बनाएंगे जिसे आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी चाहिए तब आप फ्रेंकी बना सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और 1 चम्मच जीरा ले लिया है, उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन और ग्रीन चिली ले लेंगे और उसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। हींग ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सोते कर लेना है। करीबन 1 मिनट सोते करेंगे और उसके बाद 1 चम्मच जितना टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। अब डाल देंगे हम बॉयल किए हुए पोटैटो। तो मैंने यहाँ पे करीबन 300 ग्राम जितने पोटैटो लिए हैं और उसे अच्छी तरह से मैश करके हमें डाल देना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें इस वक्त एकदम मीडियम रखना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। लास्ट में नींबू का जूस और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और वापस से अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो हमारा फ्रेंकी का जो मसाला है वो बनके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा मसाला अब ठंडा हो चुका है तो इस मसाले की हमें टिक्किया बनानी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला ले लिया है और उसकी हम टिक्की बना लेंगे। तो इसी तरह हमें इस शेप में ही टिक्किया बनानी है। तो अब देख सकते हैं इस तरह हम सारे मसाले की टिक्किया बना लेंगे। तो आप पहले से ही इस तरह से टिक्की बना के रख सकते हैं और जब भी खाना है तब आप फ्रेंकी सिर्फ असेंबल करना ही रहता है। तो इसे हमें सेलो फ्राई करना है। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है और 1 चम्मच ऑयल से हम टिक्कियों को सेलो फ्राई कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी टिक्कियाँ अच्छी से सेलो फ्राई हो चुकी है। अब हम फ्रेंकी का आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है 1 कप, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 2 चम्मच ऑयल और 1/2 कप दही डाल देंगे। तो 1 कप आटे के सामने हमें 1/2 कप दही डालना है ताकि हमारा आटा बहुत ही अच्छा बने। तो मैंने यहाँ पे मैदे का यूज़ नहीं किया है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तब अब मैदे के अवॉइड करें वो ही अच्छा है। आप गेहूं के आटे से भी फ्रेंकी बनाएंगे तो भी बहुत ही अच्छी बनेगी, बाहर जैसी मिलती है बिल्कुल वैसी। तो वापस से 1 चम्मच तेल डाल के हम अच्छे से आटे को मसल लेंगे। हमें यहाँ पे एकदम सॉफ्ट ही आटा तैयार करना है। अब आटे को करीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। आटे को रेस्ट करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो चुका है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इस आटे के हम मीडियम बॉल्स बना लेंगे। तो इस साइज़ के हम बॉल्स तैयार कर लेंगे और इस बॉल्स की हमें रोटियां तैयार करनी है। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बॉल्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंकी में हमें बड़ी रोटी ही बेलनी है इसीलिए हम इस तरह के मीडियम साइज़ के बॉल्स तैयार करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम बड़ी सी एक रोटी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंकी के लिए जो रोटी हम तैयार करने वाले हैं उस रोटी को हमें एकदम पतला ही बेलना है, बहुत ठीक नहीं रखना है। अगर ठीक रहेगी तो खाने में इतनी मज़ा भी नहीं आएगी और बाहर जैसा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं एकदम बड़ी वाली रोटी बेल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब रोटी को हमें सेक लेना है। तो मैंने तवी गरम करने के लिए ऑलरेडी रख दी है, उस पर हम रोटी को सेक लेंगे। तो रोटी को हमें एकदम ज़्यादा नहीं सेकना है, दोनों साइड से थोड़ा सा कच्चा पक्का रहे उसी तरह हम सेक लेंगे। तो आप इस तरह सारी रोटियों को एक साथ बना के भी रख सकते हैं और उसके बाद आप लास्ट में फ्रेंकी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को इस तरह से कच्चा पक्का बना के रख लिया है। अब ग्रीन चटनी बना लेंगे। तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है, थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लेंगे, अदरक और ग्रीन चिली भी डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ही पानी ऐड करके हम इसकी एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं फ्रेंकी का मसाला बनाने के लिए। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, नमक, मैंगो पाउडर, सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे एक जार के अंदर और इस तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। तो हमारा जो फ्रेंकी का मसाला है वो एकदम बनके तैयार हो चुका है जिसे आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।
अब बनाते हैं विनेगर चिली। तो मैंने यहाँ पे विनेगर ले लिया है और इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बनाते हैं हमारी फ्रेंकी, क्योंकि सारी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी है। तो एक पैन में मैंने तो थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और हमने जो रोटी तैयार की है उसे फ्राई कर लेंगे। अब आलू टिक्की को रख के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब इसमें सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ग्रीन चटनी जो हमने तैयार की है। मैंने यहाँ थोड़ी सी स्पाइसी वाली ग्रीन चटनी बनाई है। ऑनियन और कैबेज डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हमने फ्रेंकी मसाला तैयार किया था वो और विनेगर चिली डाल देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे वेज फ्रेंकी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स ही डाले हैं और अच्छे से रोल कर देंगे। तो इसी तरह हमें अंदर की साइड थोड़ा सा प्रेस करके हुए रोल बना लेना है। और मैंने जो सारी चीज़ें असेंबल की है वो एकदम कॉर्नर पे ही की है ताकि हमारी फ्रेंकी अच्छे से रोल हो सके। फ्रेंकी तैयार हो चुकी है, इसे हम टिश्यू पेपर में अच्छे से रैप कर देंगे ताकि खाने में आसानी रहे और हमारा रोल है वो खुले नहीं। अब बनाने वाले हैं हम सिजवान चीज़ फ्रेंकी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सिजवान चटनी ले ली है। सिजवान चटनी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो आलू टिक्की तैयार की है वो ऐड कर देंगे और बाकी के वेजिटेबल्स, ग्रीन चटनी, फ्रेंकी मसाला सब कुछ ऐड करके लास्ट में हम ले लेंगे चीज़। मैंने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लिया है, आप अपने हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ फ्रेंकी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने मैदे का यूज़ भी नहीं किया है, तो आप बच्चों को नाश्ते के लिए भी दे सकते हैं। और कभी आप पार्टी रखें या तो मेहमान आने वाले हैं तो सारी चीज़ें बना के लास्ट में इस तरह असेंबल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है और एक बार ज़रूर से आप एक गेहूँ के आटे वाली फ्रेंकी ट्राई करना, आप बाहर की फ्रेंकी भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है और बिल्कुल बाहर जैसा स्वाद है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना।